नमस्कार। आज हम बनाएंगे गुजराती गाठिया सेव। इसके लिए ये मैंने एक कटोरी तेल लिया है, एक कटोरी पानी है, आधा चम्मच ये मैंने खाने वाला सोडा, मीठा सोडा लिया है और नमक टेस्ट के अनुसार लेंगे। सबसे पहले हम मिक्सी में ये एक कटोरी तेल डालेंगे और एक कटोरी पानी और ये सोडा, मीठा सोडा और ये नमक, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्सी को चलाएंगे और फेंटेंगे। ये देखिए मैंने मिक्सी में इसको कर लिया है और हम इसे बाउल में निकाल देंगे। इसको थोड़ा सा और हम फेंटेंगे। और ये देखिए ये मैंने तीन कटोरी बेसन लिया है, जिस कटोरी से हमने तेल और पानी नापा था उसी कटोरी से हमने ये तीन कटोरी बेसन लिया है। ये हींग ली है 1/4 चम्मच और आधी चम्मच ये काली मिर्च पाउडर है और आधा चम्मच ये अजवाइन। अब हम इसमें सभी को मैश करेंगे और हम इसमें बेसन डालेंगे। और ये हींग, काली मिर्च और ये अजवाइन, और इसको अच्छे तरह से मिलाकर तैयार करेंगे। देखिए गाढ़ा है तो थोड़ा पानी हम इसमें और मिलाएंगे। मैंने आधी कटोरी पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसको मिलाएंगे। ये आधी कटोरी पानी हम और मिला देंगे, पूरा पानी, आधी कटोरी और पानी पड़ गया इसमें, ना रह गया, इसको भी डाल देंगे। इसमें 1.5 कटोरी पानी पड़ा। अब इसको खूब फेंटेंगे अच्छे से 4-5 मिनट तक। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी ये तैयार करेंगे मशीन को। देखिए इस तरह की मशीन में हम बनाएंगे और इसमें तेल लगा के हम तैयार करेंगे। कि देखिए हम इस वाले से गाठिया बनाएंगे और इसको इसमें सेट करेंगे। इस तरह से इसमें हम सेट कर लेंगे और इसमें भरेंगे। इसमें हम थोड़ा तेल लगा के इसको तैयार करेंगे, इधर से भी और इधर से भी। देखिए 10 मिनट हो गए इसको, हम इसमें ये भर लेंगे। देखिए मैंने इसको भर लिया है। अब इसको टैप कर देंगे जिससे इसके अंदर जो हवा हो वो निकल जाए। ये तेल हमारा गर्म हो गया है, हम बनाना शुरू करेंगे।
पहले हमने तेज़ आँच रखी है, फिर उसको हमने धीमी कर दी है, मीडियम कर दी है। तो देखिए हमारी ये सिक्के तैयार हो गए, हम इसको निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम अपने सभी सेक लेंगे। ये भावनगरी गाठिया सेव हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची बने हैं। ये देखिए एकदम क्रंची बने हैं। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसे लगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। नमस्कार।